फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो टॉपिक आपका एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलता है। इसको आप करंट अफेयर का पार्ट लगा लो या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट लगा लो, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, या तो किसी के अंदर ये पूछ लेगा मेंबर कंट्री कितनी है, या फिर पूछ लेगा उसका हेडक्वार्टर कौन है, मतलब या फिर पूछ लेगा उसकी स्थापना कब हुई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी मतलब बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास लेकर आई हूँ। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, थंबनेल आपने देख लिया टॉपिक किस चीज के बारे में है। मैं आपको 10 ADB तक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज वाली क्लास के अंदर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। आपका एशियन है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, या फिर G7 सात देशों का जो समूह है, G20 19 देश है इसके अंदर, एक यूरोपियन संगठन है, सार्क है आपका, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बिमस्टेक है, SCO, WHO और ADB। इन 10 संस्थाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और इतनी बात की गारंटी है कि हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी चीज का दे रहे हो आप, एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए भाई, एशियन की बात करते हैं शुरू में। सबसे पहले क्या पता है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कर लोगे। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी इसका जो है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये UPSC में कई बार पूछा जा चुका है कि जो एशियन की स्थापना है कौन से घोषणा पत्र से हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र से। कौन से बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अभी ये वाला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 2022 का G20 सम्मेलन हुआ था, G20 की बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी, जकार्ता के इंडोनेशिया के बाली में, जकार्ता नहीं इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में। और यही वाला अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 2023 में जो G20 की बैठक है वो कहाँ, इंडिया के अंदर, कहाँ, इंडिया के अंदर, नई दिल्ली में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है साथ की साथ। अब वापिस से आ जाते हैं एशियन के ऊपर। एशियन में मेंबर कंट्री कितनी है, 10 है। कितनी, 10। जो 10 मेंबर कंट्री है इनके नाम आप लोग बताएंगे, इतना तो कर ही सकते हो, इनके नाम आप लोग बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो इंडिया है वो एशियन का मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है, इंडिया इसके अंदर शामिल नहीं है। तो एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि भी एशियन के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, कौन से नहीं है, ऑप्शन दे देंगे, वो एलिमिनेट कर लोगे आप। ये बात थी एशियन की, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है G7। सेवन आ गया तो सेवन मेंबर है ना इसके अंदर, सात आ गया तो सात ही मेंबर है। इंडिया इसके अंदर भी शामिल नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए G7 जो सात देश है ना, इनको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, कि GF को जूस पिलाना। क्या है, GF को जूस पिलाना। GF जर्मनी और फ्रांस, GF से क्या बन गया, जर्मनी और फ्रांस। जूस से जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, तो ये सात कंट्री है G7 के अंदर। और जो इसकी 48वीं बैठक थी वो कहाँ हुई थी, जर्मनी के अंदर हुई थी, याद रख लोगे ये बात। नेक्स्ट आपके सामने G20। G20 मैंने आपको यहाँ पे बताया था 19 देश है इसके अंदर और एक यूरोपियन संगठन है, तो 19 देश हो जाएंगे, एक यूरोपियन संगठन। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए ना, तो G20 का हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, याद रखना ये बात। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो G20 की बैठक है 2022 में कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में, और 2023 में कहाँ होगी, इंडिया के न्यू दिल्ली। 2023 में कहाँ हुई, इंडिया के न्यू दिल्ली में। उसके बाद अभी देखो, 2023 में इंडिया में हुई है ना, तो थीम वगैरह भी पूछ लेगा, पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो क्या थीम रखी थी अब की बार बैठक की, वसुधैव कुटुंबकम। क्या रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये तीनों वर्ड्स याद रखने, इनकी जगह वो ऑप्शन के अंदर वर्ड चेंज करके भी दे सकता है, तो अच्छे से याद रखना इनको। तो ये था आपका G20 के बारे में। उसके बाद चलते हैं आपका, फोर्थ है सार्क। तो सार्क की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार देखने को मिलती है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन कर लोगे।
यानी ये जो है ना दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, साउथ एशियन दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। उसके बाद इसके अंदर कंट्री कितनी है, 8 मेंबर कंट्री है। कितनी है? 8। अब बात आ जाए इंडिया की, तो इसके अंदर इंडिया शामिल आपका है, सार्क के अंदर क्या है, इंडिया शामिल है। 8 कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया के जो पड़ोसी देश है ना उन्हीं को उठा लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया खुद है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। रख लो के याद, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे कर लो, नेपाल, भूटान और फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव फिर रह गया अकेला, ठीक है। उसके बाद है स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, कब हुई थी, 1985 के अंदर। उसके बाद जैसे यहाँ पे था ये बैंकॉक घोषणा पत्र से था ना, तो इसकी स्थापना हुई है ढाका घोषणा पत्र से, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल के अंदर, और घोषणा पत्र कौन सा है, ढाका घोषणा पत्र से हुई है सार्क की स्थापना। नेक्स्ट है, मैंने ये फिफ्थ और सिक्स्थ इकट्ठा लिया है, फिफ्थ और सिक्स्थ, वर्ल्ड बैंक और IMF, क्यों लिया है, दोनों ही चीजें पैसे से संबंधित है, और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जुड़वा बहने किसको बोला जाता है, तो जुड़वा बहने बोला जाता है वर्ल्ड बैंक प्लस IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के बारे में पूछ लिया जाए, तो कौन है मुख्य अर्थशास्त्री अब की बार, इंद्रजीत गिल। कौन, इंद्रजीत गिल। स्थापना कब हुई थी, 1944 के अंदर, जुड़वा बहने में आपको बता चुकी। हेडक्वार्टर, पैसे से संबंधित कोई भी अगर संस्था है ना, मोस्टली उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में मिलेगा, ठीक है, वॉशिंगटन DC। उसके बाद आते हैं SCO के ऊपर, ये भी एग्जाम का पार्ट बना हुआ है आजकल के टाइम पे, ट्रेंड चल रहा है इसका भी। तो SCO क्या है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। कब हुई थी स्थापना, 1996 के अंदर, और पहले है ना इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, संघाई 5 के नाम से, लेकिन 2001 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, संघाई सहयोग संगठन कर दिया, ठीक है, याद रखना ये बात। इसके अंदर मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर शामिल है। 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान समरकंद में, कहाँ, उज्बेकिस्तान समरकंद में, और 2023 में इसकी बैठक का आयोजन कौन करेगा, भारत करेगा। जिन संस्थाओं की बैठक का आयोजन भारत करेगा ना 2023 में, उनके बारे में तो अच्छे से पढ़ना आपको, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर कंट्री है, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट है WHO, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, सभी को पता है। एक छोटी सी ट्रिक है, जिसके आगे W और पीछे O आए ना, WHO, WTO, ठीक है, इस टाइप के जो आपके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर मोस्टली जेनेवा में मिलता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके हेड कौन है वर्तमान में, डॉक्टर टेड्रोस एब्डेमन, डॉक्टर टेड्रोस एब्डेमन। ये था WHO के बारे में। नेक्स्ट है आपके सामने, ये रह गया आपका बिम्स्टेक, रह गया बीच में बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर कितनी कंट्री शामिल है, 7। कितनी, 7, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और थाईलैंड, ठीक है, होगी 7, ये 7 कंट्रीज है। ये बातें है ना आपको अलग अलग से तो कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन इकट्ठा ही डाटा कलेक्ट करना है ना, और फिर उसको पढ़ना अच्छे से याद होती है फिर ऐसे करके चीजें। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए बिम्स्टेक का, ढाका के अंदर है। 2022 में बैठक कहाँ हुई थी, कोलंबो के अंदर हुई थी, ठीक है, बिम्स्टेक। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर, कहाँ है, मनीला फिलीपींस के अंदर। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। कौन है इसके उपाध्यक्ष, अशोक लवासा। तो ये आपकी 10 ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके बाद आगे वाली करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और इम्पोर्टेंट लेक्चर है होस्ट के, तो इसका नोट्स वगैरह भी बना लीजिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उनको अच्छे से रिवाइज कर सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।